एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी, और आज हमारे सामने है टाटा की सफारी एडवेंचर परसाना, जो काफ़ी फैसिनेटिंग और बिग बोल्ड लुक के साथ टाटा ने ऑफर करी थी। और ये 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी है टाटा की, जिसके अंदर आपको फ्रंट लुक कुछ ऐसे मिलता है, टाटा की बैजिंग और क्रोम तो आपको नहीं मिलता इसके अंदर, बट आपको प्रॉपर पैन बैक कलर में आपको ग्रिल मिलती है, जिसके अंदर सफारी की बैजिंग आपको वो हुड पे ही मिल जाती है। और ऐसा कुछ इसके बाय कन्वेंशनल इंडिकेटर प्लस DRL टाटा ऑफर करती है इसके अंदर LED, और नीचे की तरफ आपको हाई बीम आपको LED मिलती है, लो बीम आपको हेलोजन मिलती है इसके अंदर, और नीचे की तरफ फॉग लैंप टाटा ने इसके अंदर प्रोवाइडेड है। फ्रंट लुक इसकी कुछ ऐसी है, जिसके अंदर एक काफ़ी बोल्ड और मैसिव लुक प्रोवाइड करती है, और काफ़ी अच्छा मेरे को इसका लुक लगता है टाटा सफारी का, जो काफ़ी बोल्ड लुक एज अ SUV ऑफर करती है। अब चेकआउट करते हैं इसका साइड लुक, कि साइड लुक इसका कैसा है। साइड लुक से टाटा सफारी कुछ ऐसी लगती है, बहुत ही मैसिव लुक ये प्रोवाइड करती है अपने अंदर, जो काफ़ी लंबी और बोल्ड लुक है इसके अंदर, जो काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। रोड प्रेजेंस इसकी बहुत ही शानदार है, और ऐसे कुछ इसके अंदर 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो बहुत ही मैसिव अलॉय व्हील्स टायर साइज इसके अंदर आपको प्रोवाइडेड है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक इसके अंदर मिल जाती है, बीच में टाटा का लोगो, और काफ़ी अच्छे टायर इसके अंदर मिल जाते हैं बहुत ही अच्छी प्रोफाइल के साथ, तो बहुत ही अच्छा इसका लुक निकल के आता है इन अलॉय व्हील से। साइड लुक में आपको जो बड़े से ORVM मिलते हैं, मेरे हाथ से भी बड़े ORVM इसके अंदर प्रोवाइडेड हैं, आपको इंडिकेटर इसके अंदर मिल जाते हैं ORVM पे ही, और लुक तो इतनी लंबी है और इतनी शानदार से है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आपको जो डोर हैंडल्स मिलते हैं उसके अंदर दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड, और बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश की बैजिंग है विद बॉडी पेंट। तो साइड लुक में आपको रूफ रेल मिलती है, जो पहले सफारी में आती थी, जिसके अंदर सफारी की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है कंपनी के टूवर्ड से, और बहुत ही अच्छा क्वार्टर पैनल इसका दे रखा है, काफ़ी ऊंची और स्टांस लुक इसके अंदर ऑफर करता है। कुछ ऐसा बैक लुक टाटा सफारी प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छा एक लुक प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर, और बहुत ही अच्छी फैसिनेटिंग लुक ये ऑफर कर रही है। बीच में टाटा का लोगो, इसके अंदर भी आपको जो नंबर प्लेट लाइट है वो आपको वाइट मिलती है, कैमरे की प्लेसिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके अंदर, सफारी की बैजिंग नीचे, और बहुत ही अच्छा बोल्ड लुक ही ऑफर करती है पीछे से भी। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, और एक फेक एग्जॉस्ट पाइप आपको नीचे कंपनी प्रोवाइड करती है, तो काफ़ी अच्छा आपको लुक मिल जाता है। स्पॉयलर आपको डेडिकेटेडली कंपनी से मिल जाता है विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग लुक ये ऑफर कर रही है टाटा सफारी। अब चेकआउट करते हैं इसका इंटीरियर, कि इंटीरियर से क्या ये ऑफर कर रही है। तो टाटा सफारी एडवेंचर परसोना में आपको कुछ ऐसी की मिलती है, पीछे पैनो ब्लैक फिनिश, टाटा का लोगो, लॉक अनलॉक बूट ओपनर, और फॉलो मी हेडलैम्प इसके अंदर आपको प्रोवाइडेड है टाटा के टूवर्ड से। अब चेकआउट करते हैं इसका इंटीरियर लुक, इंटीरियर से क्या ये एडवेंचर परसोना आपको ऑफर कर रही है। तो काफ़ी हैवी और मैसिव इसका डोर गेट है, जो 90 डिग्री पे ओपन हो जाता है, इसके अंदर आपको आराम से एंट्री और एग्जिट आपको आराम से कर सकते हो आप। ऐसी कुछ इसके अंदर आपको फिनिश मिलती है लेदराइट फिनिश, जो कि एक पीच सा या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा क्रीमिश कलर आपको इसके अंदर टाटा की तरफ से प्रोवाइडेड है तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन के साथ ये ऑफर करती है। बीच में आपको डी क्रोम हैंडल्स, जो ब्लैक क्रोम आपको हैंडल्स में इसके अंदर मिलते हैं, चावर पावर विंडो के साथ आपको इसके अंदर टाटा ऑफर करती है। बहुत ही मैसिव ग्रैब हैंडल इसके अंदर मिलता है डोर को लॉक और अनलॉक ओपन करने के लिए, और पैनो ब्लैक फिनिश में आपको ये ऑफर करती है। नीचे आपको 1 लीटर की पानी की बॉटल और कुछ डॉक्यूमेंट स्पेस और अम्ब्रेला होल्डर, तीनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। स्पीकर के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और ORVM कंट्रोल्स आपको मिरर के पास ही मिल जाते हैं, जिसके अंदर ORVM ओपन और क्लोज कर सकते हो आप, और साथ ही साथ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ प्रॉपर इसके अंदर आपको एक रिफ्लेक्टर बेस्ड LED मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आप डोर रात को ओपन कर रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको लाइटिंग मिलेगी, और पीछे वाली कार को पता चल जाएगा कि आपका डोर खुला हुआ है। इसी कुछ ये लुक अंदर से ऑफर करती है, जिसके अंदर आपको ड्राइवर साइड पे ही एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल आपको सीट्स मिलती हैं, जिसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन मिलता है एडवेंचर परसोना के अंदर, और काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक ये कार ऑफर करती है एडवेंचर परसोना के अंदर। काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर ये ऑफर करती है टाटा सफारी अपने अंदर। अब चेकआउट करते हैं अंदर से बैठ के कि क्या क्या फीचर इसके अंदर प्रोवाइडेड है कंपनी के टूवर्ड से। तो ऐसा कुछ इसका स्टेयरिंग व्हील का लुक है, जिसके अंदर आपको बहुत ही मैसिव बोल्ड स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता है टाटा के बीच में लोगों के साथ। एक साइड राइट साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड आपको मीडिया कंट्रोल मिल जाते हैं विद लेदराइट स्टिच स्टेयरिंग। प्लस आपको जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, सिर्फ टिल्ट मिलता है, मतलब अप एंड डाउन की एडजस्टमेंट आपको मिलती है, आगे पीछे की एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती। प्लस आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड का लुक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे वुडन फिनिश दे रखी है टाटा के टूवर्ड से। सेंटर में आपको 8 इंच की स्क्रीन मिलती है, और उसके मीडिया कंट्रोल्स भी आपको नीचे ही मिल जाते हैं, वॉइस नॉब और चेंजिंग टू ट्रैक।
हज़ार्ड लाइट और बाकी कुछ बटन्स इसके अंदर आपको प्रोवाइडेड हैं। और एसी वेंट्स का कंट्रोल आपको नीचे की तरफ इसके अंदर मिल जाता है टाटा के अंदर। स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला हमने मॉडल देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा है, टॉक कन्वर्टर, प्लस आपको कुछ इसके अंदर मोड्स मिल रहे हैं, स्नो मोड, डर्ट मोड और वेट मोड। नीचे की तरफ आपको पेन ड्राइव सॉकेट और ऑक्स का सॉकेट मिल रहा है, जिसके अंदर आप चार्जिंग भी कर सकते हो, और ऊपर स्क्रीन के लिए पेन ड्राइव का आउटलेट भी दे सकते हो, और फ़ोन रखने की स्पेस आपको इसके अंदर यहाँ पे मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रही है, जिसके अंदर ऑटो होल्ड का फीचर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम फीचर्स ये ऑफर कर रही है अपने, प्लस आपको 2 कप होल्डर्स का जो स्पेस है वो टाटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर मैसिव सी आपको आर्मरेस्ट मिल रही है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा आपको आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस भी मिल रहा है, जिसके अंदर जो चार्जिंग के सॉकेट्स आपको दिए गए हैं वो डेडिकेटेडली आर्मरेस्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर 12 वोल्ट का आपको एक सॉकेट मिलता है और 2 USB सॉकेट मिलते हैं चार्ज करने के लिए फ़ोन को। तो साइड लुक कुछ इसका ऐसा है, लेदर अपॉलिस्ट्री इसके अंदर टाटा ऑफर करती है और बहुत ही अच्छी फिनिश के साथ ये सफारी लॉन्च हो रही है। आपको को ड्राइवर साइड सनवाइज़र में आपको मिरर मिलता है लाइट के साथ, और सेंट्रल कंसोल इसका कुछ ऐसा है, ऑटोमेटिक रियर व्यू मिरर आपको इसके अंदर मिल जाता है। प्लस आपको इसके अंदर काफ़ी कंट्रोल्स दिख रहे होंगे, वो मैं आगे बताऊंगा इसके अंदर क्या फीचर है स्पेशल। वाइट लाइट आपको सेंटर में मिल जाती है इसके अंदर, माइक के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड आपको मिरर नहीं मिलता और टिकट होल्डर भी नहीं प्रोवाइडेड है टाटा के 2WD से ड्राइवर साइड। प्लस अब जो मैंने बोला आपको फीचर इसके अंदर मिलते हैं, तो इसके इसमें आपको मिलती है सनरूफ, पैरानोमिक प्रॉपर सनरूफ बैक तक। तो काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम फीचर टाटा सफारी इसके अंदर ऑफर करती है। कहते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है टाटा सफारी एडवेंचर परसोना के अंदर। तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टाटा सफारी ऑफर करती है आपके अंदर, जिसके अंदर आपको 220 की स्पीड में मार्किंग मिलती है, प्लस आपको जो RPM मीटर है वो आपको डिस्प्ले में LED ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर आपको RPM मीटर प्रॉपर मिल जाता है विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि गाड़ी पार्किंग में है या फिर ड्राइव मोड में है, रिवर्स मोड में है। और सेंटर में आपको ये भी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर MID ये बता देता है कि कौन सा गेट और कौन सा डोर ओपन है या बूट ओपन है, प्लस आपको फ्यूल गॉज भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छे प्रीमियम लुक के साथ टाटा सफारी एडवेंचर परसोना कंपनी ने लॉन्च किया है। तो कुछ ऐसी 8 इंच की इसके अंदर स्क्रीन मिलती है टाटा सफारी के अंदर, जो काफ़ी एक प्रीमियम लुक कार को ऑफर करती है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे इंक्लाइंड ये है, एक ही पीस में इसको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है टाटा के 2WD से। तो 8 इंच के अंदर इसके अंदर स्क्रीन मिलता है, स्क्रीन साइज़ जो काफ़ी लोगों को छोटा लगता है, बट मेरे हिसाब से ये सही है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ आपको स्क्रीन साइज़ इसके अंदर मिल जाता है। AC कंट्रोल का डिस्प्ले है वो इसके अंदर ही आपको ऑफर किया जाता है, जो काफ़ी एक अच्छा फीचर है इसके अंदर। प्लस अब आपको सनरूफ का लुक चेकआउट करवाते हैं कि सनरूफ का कैसे क्या लुक है। तो प्रॉपर सनरूफ ऐसे खुलती है इसके अंदर, प्रॉपर पीछे कर्टन इसका पीछे चले जाता है, फिर प्रॉपर इसकी सनरूफ का फ्रंट ग्लास ओपन होता है, जिसके अंदर पहले वो प्रॉपर सेटल होगा, उसके बाद फ्रंट का ग्लास आप खोल सकते हो दूसरे बटन से, आपको प्रेस करके ही रखना पड़ेगा इसको, तभी वो खुलेगा। तो काफ़ी मैसिव सनरूफ इसकी स्पेस है, अगर आपको निकलना तो नहीं चाहिए बाहर, बट अगर आप पहाड़ों में अगर घूमने जा रहे हो तो ज़रूर आप इसके अंदर से निकल सकते हो इजीली, चाहे अडल्ट हो या फिर चाइल्ड। तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर सनरूफ स्पेस भी आपको मिल जाता है। अब चेकआउट करते हैं पीछे से इसका, कि पीछे से क्या स्पेस और लग्जरी ऑफर कर रही है टाटा सफारी। तो टाटा की तरफ से इसके अंदर 50 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक इसके अंदर आपको मिल जाता है, तो डीजल इंजन के साथ ही ऑफर करी जाती है टाटा सफारी। तो 50 लीटर का टैंक इसके अंदर मिलता है, जो काफ़ी एक अच्छी माइलेज प्रोड्यूस कर देता है टाटा सफारी के अंदर। अब चेकआउट करते हैं इसका पीछे का लुक, कि पीछे की सीट में क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो कुछ डोर का लुक इसका ऐसा है, जिसके अंदर आपको लेदर अपॉलिस्ट्री क्रीमिश कलर में आगे की तरफ जैसे मिलती है, नॉन ब्लैक क्रोम हैंडल्स, पावर विंडो का स्विच, JBL के ऑडियो आपके इसके अंदर आता है, जो मैं बताना भूल गया था आपको। फ़ोन रखने के लिए आपको स्पेस टाटा ने यहाँ पे ऑफर करी है, और नीचे कुछ आप रख सकते हो 1 लीटर की पानी की बॉटल के साथ। प्लस अब चेकअप करते हैं अंदर की अंदर क्या ये फीचर्स और प्रीमियम चीज़ें ऑफर कर रही है। तो सबसे बढ़िया बात कि टाटा सफारी लॉन्च जो एडवेंचर परसोना है वो 6 सीटर ऑप्शन के साथ आता है, कैप्टन सीट के साथ, सेंट्रलाइज आपको आर्मरेस्ट मिलती है दोनों के लिए, काफ़ी अच्छा स्पेस ये ऑफर कर देती है और कम्फर्ट ऑफर करती है एज अ 6 सीटर। अब चेकआउट करते हैं इंटीरियर से। तो इंटीरियर में बैठे सारी इसके अंदर स्पेस है ही है, स्पेस तो लार्ज अमाउंट में है, काफ़ी आगे वाली सीट से काफ़ी हम ऊँचे बैठते हैं। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है इसके अंदर 2 USB सॉकेट्स कर सकते हो, जिसके अंदर आप चार्जिंग कर सकते हो, और फ़ोन के लिए स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है आर्मरेस्ट के पीछे। और आप यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये कुछ आपने नोटिस किया होगा कि क्या ये हैंडल किस लिए दे रखा है, तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये बॉस मोड है टाटा सफारी के अंदर, अगर पीछे कोई पैसेंजर आगे कोई नहीं बैठा तो आप इसको ऐसे खिसकाओगे
तो ये प्रॉपर आगे हो जाएगी सीट, तो कुछ बहुत ही अच्छे लार्ज अमाउंट में स्पेस बन जाएगी पीछे की तरफ, ये बहुत ही अच्छी स्पेस इसके अंदर बन जाएगी। और बॉस मोड लगाने के बाद आप आराम से बैठ के जा सकते हो पीछे वाली सीट के अंदर। तो स्पेस तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा कंपनी ने प्रोवाइड किया है। रेयर के जो एसी वेंट्स हैं वो आपको पिलर में मिल जाते हैं। टाटा ने काफ़ी यूनिक जगह में इसको प्लेस किया है रेयर के एसी वेंट्स को, जो इतनी विजिबिलिटी इतनी विजिबल भी नहीं है कि कैबिन में एसी वेंट्स हैं कहाँ, बट काफ़ी अच्छा एयर फ्लो है पैसेंजर्स के सीधा फेस पे। तो पीछे से कुछ इसकी लुक ऐसी टाटा सफारी ऑफर करती है, ऊपर मैसिव सनरूफ के साथ, और काफ़ी अच्छी सनरूफ ही ऑफर कर रही है कि पीछे वाले लोगों को भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा, लास्ट सीट को भी, क्योंकि ये 6 सीटर एसयूवी है। आपको इसके अंदर लैंप, रीडिंग लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, जो काफ़ी अच्छा है कि वाइट लाइट में कंपनी इसे ऑफर कर रही है। अब चेकआउट करते हैं इसकी थर्ड रो की, थर्ड रो में क्या ही ऑफर कर रही है स्पेस और कम्फर्ट। जो रियर की दोनों सीटें हैं एडवेंचर पसाना के अंदर, उसके अंदर पीछे की तरफ भी आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, तो जो काफ़ी प्रीमियम फीचर है कि चारों पैसेंजर्स के अंदर जो मेन 4 सीटें हैं इसके अंदर, उसके अंदर वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है। तो समर्स के टाइम पे काफ़ी अच्छा इफेक्टिव कूलिंग कार के अंदर बनेगी और बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगेगी टाटा सफारी के अंदर एडवेंचर पसाना के अंदर। तो अब पीछे की लुक चेकआउट करते हैं कि पीछे से क्या स्पेस और लास्ट थर्ड रो में ये क्या स्पेस ऑफर कर रही है टाटा सफारी। तो इसकी मैं थर्ड रो में आ चुका हूँ टाटा सफारी की, जो मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि स्पेस इसके अंदर कंपनी ने कम प्रोवाइड किया है पीछे वाले पैसेंजर को अंदर आने के लिए। और सीट अगर हम पीछे करते हैं, मैं आपको एक बार सीट पीछे करके बताता हूँ कि ये पीछे से कम स्पेस क्या ऑफर कर रही है। स्पेस तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिल जाती है पीछे की तरफ कि आपको लेग स्पेस में कमी नहीं होगी, बट एंट्री के अंदर आपको इसके अंदर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एंट्री में ये थोड़ा दिक्कत कर सकती है क्योंकि इतनी इजीली आप एडल्ट इसके अंदर नहीं चढ़ सकता, बच्चे तो चढ़ सकते हैं। अगर आप सीट फोल्ड कर देते हो तो कुछ ऐसा इसके अंदर बूट स्पेस है जिसके अंदर आपको सब वूफर मिल जाता है JBL का पीछे, और 2 USB सॉकेट्स आपको पीछे मिल जाते हैं फ़ोन चार्जिंग के लिए कप होल्डर के साथ। नीचे आपको नेट मिल जाती है फ़ोन रखने के लिए, प्लस इस साइड आपको मिल जाते हैं AC वेंट्स जो काफ़ी अच्छा फ्लो कर रहे हैं, AC का बहुत अच्छा फ्लो ये कर देते हैं पीछे कूलिंग। तो AC वेंट्स आपको साइड पिलर में मिल जाते हैं मिरर के साइड में, दोनों डेडिकेटेडली दोनों पैसेंजर्स के लिए। तो काफ़ी एक अच्छी बात है कि पीछे भी आपको कूलिंग प्रॉपर मिलेगी, क्वार्टर ग्लास भी इन्होंने डिसेंट दिया है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको ना लगे, और पीछे वाले के लिए भी लैंप इसके अंदर प्रोवाइडेड है। और पीछे से कुछ ऐसी लुक आती है टाटा सफारी की। अब चेकआउट करते हैं इसका बूट स्पेस की, बूट स्पेस ये क्या ऑफर कर रही है इतने सारे लोगों को बिठाने के बाद। चेकआउट करते हैं टाटा सफारी क्या बूट स्पेस इसके अंदर ऑफर कर रही है, जिसके अंदर आपको बूट अगर आप लॉक अनलॉक करोगे तो इसके अंदर आपको हॉर्न बजेगा, और प्लस बहुत ही मिनिमलिस्टिक बूट ये ऑफर कर रही है 73 लीटर्स का, जो बहुत ही कम है बूट स्पेस है। अगर आप सारी की सारी 6 सीट्स ऑप्ट कर लेते हो तो कुछ बूट स्पेस तो बचता ही नहीं है, मतलब फिर आपको कैरियर लगवाना पड़ेगा, और इतनी अच्छी गाड़ी में कैरियर लगवाना तो मतलब वर्थ इट ही नहीं है। तो सीट आपको फोल्ड करके ही जाना पड़ेगा, और इसमें मैक्सिमम आप 5 बंदे ही बिठा सकते हो कम्फर्टेबली, क्योंकि आपको एक सीट तो फोल्ड करनी ही पड़ेगी लगेज के लिए। बाकी प्रॉपर आपको कवरिंग यहाँ पे मिलती है टाटा सफारी के अंदर, ग्रैब हैंडल आपको इसके अंदर प्रोवाइडेड है कंपनी की टूवर्ड से बूट को अनलॉक और लॉक, बूट को लॉक करने के लिए, और ऐसा कुछ इसका बैक लुक था। तो अब इसका इंजन चेकआउट करते हैं कि इंजन से ये क्या इंजन प्रोवाइड कर रही है और क्या इसके अंदर टॉर्क और BHP है। तो ऐसा कुछ है टाटा सफारी का इंजन, जिसके अंदर आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, 170 क्रायोटेक इंजन उसके अंदर टाटा सफारी के अंदर प्रोवाइडेड है। इसकी इंजन साउंड कुछ आप ऐसे देख सकते हो कि इतना ये साउंड करता है, कैबिन के अंदर इसकी साउंड नहीं आती क्योंकि प्रॉपर इंसुलेशन इसके अंदर प्रोवाइडेड है। 167 BHP ये प्रोवाइड करता है 350 Nm का टॉर्क के साथ, तो काफ़ी टॉर्की इंजन है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा भारी ये इसका हुड है क्योंकि बहुत हैवी ये हुड लग रहा है मेरे को, मैंने पकड़ा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ टाटा सफारी आती है, क्योंकि टाटा की तो बिल्ड क्वालिटी है ही अच्छी, तो काफ़ी हैवी हुड ये ऑफर करती है। प्लस जो DRL का लुक है वो कुछ ऐसा है इसका, जो काफ़ी एलिगेंट लुक इसको ऑफर करता है DRL के लाइट अप होने के बाद। तो ये था कुछ टाटा सफारी का डिटेल वॉक अराउंड कि टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना अपने अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है और क्या ये लेना वर्थ इट है। तो ज़रूर अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप इसको ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि जो ये फीचर्स और जो लुक बोल्ड लुक ये ऑफर करती है वो इसके सेगमेंट में कोई कार ऑफर नहीं कर सकती। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही डिटेल वॉक अराउंड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।